जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। फिलहाल अभी मैं हूँ खार घर में। ये मेरे पीछे देखो, ACTRECE, इसका फुल फॉर्म देख लो भाई, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ये है ना टाटा मेमोरियल सेंटर भाई, हॉस्पिटल कैंसर का, टाटा का। जो मैं लास्ट टाइम परेल गया हुआ था, वो मैं क्यों गया हुआ था वो पूरा उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि विशाल जो है, विशाल के एक रिलेटिव है भाई, उनको कैंसर है, तो इस वजह से हम मतलब वहाँ पर उनका सीटी स्कैन का डेट दिया हुआ था, आज का 12:15 का अपॉइंटमेंट था। बट भाई 1:30 लगभग हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया मेरी वजह से, क्योंकि आज 1 अप्रैल है ना, तो मैंने आज भाई सॉरी लेकिन टीटी को आज भाई अप्रैल फुल बनाकर आया है मैंने। आज मैं नहीं बताना है मुझे, जाने लास्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं अंदर चलता हूँ, जैसे जैसे जो रहेगा भाई फटाफट करवाता हूँ। अभी पता नहीं अपॉइंटमेंट से लेट हो गया हो तो होएगा कि नहीं होएगा पता नहीं, देखते हैं भाई क्या होता है। तो फिलहाल हमने हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर दिया। देखो यहाँ पे ये काउंटर है, हॉस्पिटल के पीछे आना पड़ेगा आपको। ये काउंटर है, यहाँ पर काउंटर पे आपको अपना फॉर्म दिखाना है परेल वाला। हमने फॉर्म दिखाया अपना, और फिर यहाँ पर इन्होंने कहा थोड़ा सा वेट करिए, अभी डॉक्टर आए हैं, आपको आपका टोकन या फिर जैसा जो रहेगा डॉक्टर बुलाएंगे, वैसे वहाँ पर जाना होगा, यहीं पर बैठे इंतज़ार कीजिए। तो मेरे पीछे जो है भाई ये पूरा वेटिंग एरिया है, यहाँ पर जितने भी हैं सब सीटी स्कैन के लिए ही आएले हैं। मेरे पीछे जो इतने दिख रहे हैं, ये पूरा सीटी स्कैन के लिए। वहाँ से हमारा नंबर आने के बाद हमको अंदर 14 नंबर पर भेजा गया, फिर वहाँ पर हमको बिलिंग करा के, फिर वहाँ से 5 नंबर, और 5 नंबर पे जाकर हमको इंजेक्शन लेना था पेशेंट को, और फिर उसके बाद यहाँ पीछे मेरे देखेंगे सीटी स्कैन है। अब यहाँ पर जैसे हमारा नाम आ जाएगा तो हमें सीटी स्कैन करके फिर टाटा बाय बाय करके घर जाना है, और रिपोर्ट अपने आप परेल में लगभग 5-6 दिन में आ जाएगी, और फिर हमको अपने दिए हुए अपॉइंटमेंट पे फिर से वापस परेल चले जाना है। और सीटी स्कैन के लिए ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा नाम ले रहे हैं ऐसे ऐसे नाम लेकर बुलाते हैं। देखो इतने इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, और फिर नाम ले लेके एक जन जाते ये पीछे सिटी स्कैन। गाइस शाम के हो गए 4:15 और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया भाई, टाइम लगता है। तो हम तब से भाई सोच रहे कुछ नाश्ता करें, तो हम बाहर निकल ही रहे थे, बट यहाँ पर ना आपको 4 बजे जनरल वार्ड में, जनरल में 4 बजे कैंटीन ओपन होती है, जहाँ पर ना भाई बहुत ही कम प्राइस, मतलब 10 रुपये का वड़ा पाव, 15 रुपये का चाट मसाला चाट, चना चाट सॉरी, और 8 रुपये की चाय, 8 रुपये की कॉफ़ी, सिर्फ ये 4 चीज़ मिलती है आपको बहुत ही सस्ते में भाई। और चाय की क्वांटिटी भी इतनी बड़ी, ग्लास रहेगी कॉफ़ी की भी इतनी बड़ी, और चाट जो है ना वो इतना पूरा भर के मिलेगा, और 10 रुपये का एक वड़ा पाव है भाई, और इसका साइज़ भी ना अच्छा खासा है। तो आप लोग यहाँ पर भाई लंच वगैरह कर सकते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, चटनी भी देखो कितना बढ़िया है, दिखने में तो अच्छा ही है। जो है भाई इसी से पेट भरना पड़ेगा, तो खाते पीते और इंतज़ार करते भाई कितना टाइम लगेगा। भाई फाइनली आ गया अंकल का नाम, कब से बैठे थे, नाम आ गया भाई फाइनली अंकल का। अब यहाँ भाई सिर्फ 5 मिनट लगेगा उनको, और फिर जो हाथ में उनके इंजेक्शन लगा हुआ है वो इंजेक्शन निकल जाएगा, और वो जो भी है उसके बाद फिर सीधे घर यहाँ से निकलेंगे। और अभी बज गए हैं लगभग 5:30, तो अभी फाइनली मिलते हैं बाहर। तो हो गए 5:30 और फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं। हम यहाँ पर लगभग आए थे 1:30 बजे, मतलब 3:30, 4:30, 5:30 लगभग 4 घंटे में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से भाई पकड़ेंगे तलोजा से दहानू रोड, पनवेल दहानू रोड, और उससे हम भिवंडी स्टेशन उतर जाएंगे, जाके हम स्टेशन पे वेट करेंगे। बाकी ये वाला ना बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना ये, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको मतलब ये पूरा 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 फैला हुआ है ना ये पूरा, इसके पीछे भी ऐसा बैठने उठने के लिए गार्डन वगैरह बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पर, और यहाँ पे फैसिलिटी भी कुछ उस तरह से मतलब कुछ खास पता नहीं चल पाई है। और यहाँ पर कैसा कि वीडियो शूट को लेके थोड़ी सी दिक्कत है ऐसी भी, तो अभी तो फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं बाहर यहाँ से, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए 1 मिनट, आकाश का कॉल आया है, ये एंट्री गेट आया, हाँ लेकिन आया भी एंट्री गेट, जस्ट जस्ट यही निकल के भाई मुझे चक्कर आ गया, हो गया बस यहाँ से हम लोग भिवंडी वाली ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ कल्याण वाला रूट वो घूम के आना पड़ेगा, अगर आधा घंटा रुक जाएंगे तो डायरेक्ट भिवंडी की ट्रेन मिल जाएगी।
हो गया, आप डायरेक्ट 11 बजे जाने उधर। हाँ आप जा रहे हो खाएंगे पीएंगे, अरे तू टेंशन मत ले, अरे भाई तू टेंशन मत ले, चल ठीक है। जो बोलना सब यहीं खड़े होकर बोल ले, जो बोलना है सब यहीं खड़े होकर बोल लेता हूँ। तो जैसा भाई आज एक अप्रैल था ना भाई, तो आज मैंने किसको अप्रैल फुल बनाया? तेरे को नहीं, आते वक्त क्या हुआ था अभी? टीटी को बनाया भाई, मैंने लाइफ में दूसरी बार आज पकड़ा गया। एक बार मैं ना एसी लोकल में पकड़ा गया था, तब भी उल्लू बना के भागा था, मतलब भाई बात करके। और आज भी सेम भाई वही हुआ है आज भी मैं वैसे भागा। तो भाई आज 1 अप्रैल मेरा भाई दो जगह मचमच हुआ है। एक बार अभी ब्लॉगिंग कर रहा था ना यहाँ पर, तो वो सिक्योरिटी ने मुझको डांटा, मतलब उससे बहस हुई, बट फिर भी वहाँ पर यही हुआ कि नहीं करने का ब्लॉगिंग, बट लास्ट में सेटल हुआ। और टीटी के पास पे भी भाई बहस हुआ था, वहाँ पे भी नहीं था टिकट भाई, तो हो गया सेटल। तो यही बताना था भाई मुझे। बाकी आप लोग ये मत बोलना कि तू बिना टिकट ट्रैवल करता है ऐसा वैसा। भाई देखो आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास टिकट नहीं था, मेरे को टीटी ने पकड़ा। मैं ऐसा भी बोल रहा हूँ भाई, मैं फर्स्ट क्लास की टिकट लेके चढ़ा था, मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, मैं फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करके आया। तो आप लोग कोई मेरी बात को सीरियस मत लेना। बाकी आज अप्रैल फूल है, तो भाई अंकल का हो गया, अब हमको डायरेक्ट 11 तारीख को जाना है फिर से परेल में। तो ख़त्म करते हैं ये ब्लॉग वीडियो, यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए भाई ये देख लो भाई, बहुत 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 बड़ा है ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खारघर का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।